रविवार को जनता कर्फ्यू के बीच सोमवार को भी भारत भूटान सीमा पर बसे डुअर्स के सम्मिलित अलीपुरद्वार व जलपाईगुड़ी जिले में कोरोना वायरस को लेकर महामारी का माहौल देखने को मिली है। आज सुबह होते ही डुअर्स के सीमांतवर्ती क्षेत्र जयगांव और दलसिंहपाड़ा दुकान पाट बंद दिखे, मगर इस बीच हाँसीमारा क्षेत्र इलाकों में सुबह से लगभग सभी दुकान पाट व हाट बाजार खुले नजर आए। बाजार खुलने से लोगों में राशन दुकान और सब्जी मंडी में काफी भीड़ देखे गए। लोगों के मन में अब भी भय के माहौल से सब्जी और राशन दुकानों से साप्ताहिक व महीनों के राशन बिक्री होते हुए नजर आए। इधर देश के प्रधानमंत्री व राज्य मुख्यमंत्री के निर्देश जारी किया है, हमारे देश व राज्य में अनाजों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक राज्य सरकार द्वारा 6 महीनों तक प्राथमिक विद्यालय के जरिए अनाज देने की घोषणा के बाद भी लोग आज महीनों के राशन और सब्जी खरीदने नजर आए। क्या देख रहे हैं, सब्जी में काफी बाजार भीड़ है, क्या है? एक्चुअली कल बंद था पूरा दिन, विशेष करके जनता कर्फ्यू में सभी लोग साथ दिया था और कल मार्केट करने नहीं सका था, इसीलिए आज मार्केट करने आया। और विशेष करके सभी हमारे सरकार के साथ में था, क्योंकि जो कर्फ्यू जनता कर्फ्यू लगाने बोला सब लोग उस सरकार का साथ दिया था, कोई भी घर से नहीं निकला, मार्केट नहीं गया, इसलिए आज लोग आए बाजार में। आज बाजार में क्या रेट कैसे है? थोड़ा ज्यादा लग रहा है रेट, देखने को ये भी मिल रहा है कितने आदमी लोग हाथ में दो दो झोला तीन तीन झोला लेकर आए, क्योंकि लोग डरे हुए कि आने वाला काल परसों भी अगर बंद हो जाए तो, इसीलिए लोग डर रहे कि आने वाला समय भी अगर बंद हो जाए तो सब लोग मुश्किल होगा बाजार उजार करने के लिए, इसीलिए लोग पहले आया। अभी आप लोग सब्जी बाजार देखे, काफी भीड़ देखा, क्या है मतलब, क्या रेट क्या चल रहा है? रेट कोई कोई का ठीक है, कोई कोई का बेची है। क्या लग रहा है? प्याज आलू का 15 रुपया, 20 रुपया हो गया, प्याज का 25 रुपया, 30 रुपया हो गया। क्या कारण है जब सब्जी कितना रेट हो रहा है? ये कोरोना का लेके सब आतंक है, रविवार का बाजार नहीं हुआ तो आपके हाथ में भी दो दो झोला दिख रहा है। हाँ, तो इसके लिए बोल रहा है सब बोल रहा है, तो सब लोग बातचीत कर रहे हैं हम। इधर डुअर्स के तमाम थाना पुलिस द्वारा कालाबाजारी पर कड़ा कदम उठाया जा रहे हैं। इधर उच्च माध्यमिक के छात्र स्थगित के बाद भी काफी विद्यालय के छात्रों एग्जाम देने के लिए विद्यालय पहुंच चुके थे। उनका मानना है व्हाट्सएप पर काफी अलग अलग मैसेज से हम परेशान होकर विद्यालय पहुंचे, तब हमें स्पष्ट हो पाई फिलहाल इस कोरोना वायरस की महामारी के बीच परीक्षा स्थगित की गई है। आज हम लोग का स्कूल बंद है वो भी पता नहीं था, यहाँ पे कोई भी नहीं है हम लोग को बताने के लिए, यहाँ पे नोटिस वगैरह भी कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है स्कूल तो हो भी सकता है क्योंकि आज हम लोग का लास्ट एग्जाम है। क्योंकि आप बोल रहे थे मुझे कुछ रिपोर्ट सुनाई दिया कि मैं सुबह न्यूज़ खोला था तो वहाँ के बोला कि 15 तारीख का बाद स्कूल हो सकता है, लेकिन हम लोग का एक किट हो एग्जाम बाकी है, बट ऐसा करने से हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि अभी एक ठो एग्जाम बाकी है तो हम 15-16 दिन वेट करेंगे जो थोड़ा हम लोग का वो एग्जाम के लिए, चलो अच्छी बात है लेकिन उतना दिन तो नहीं रोकना चाहिए क्योंकि आज ऐसा है कि एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करके आए हैं आज के लिए, फिर हम लोग को बहुत दिन तक मौका मिलेगा तैयारी करने के लिए, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग का बहुत ही ज़्यादा टाइम लॉस हो सकता है। और आज हम लोग को बताने के लिए कोई नहीं है कि आज यहाँ पे स्कूल छुट्टी है, ना बंगला स्कूल के सर सब है, ना कोई नोटिस वेटिस कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं कि सर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं, लेकिन अभी तक तो हम लोग को कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बस हम लोग जितने स्टूडेंट है आए हुए हैं सब लोग बैठे हैं स्कूल होगा बोल के, बट अभी तक टीचर सबका तो पता नहीं है, हम लोग हिंदी हाई स्कूल से हैं, अभी हम लोग बंगला स्कूल में हम लोग का एग्जाम है तो बंगला स्कूल के सर सब अभी तक कोई नहीं आए हैं और हम लोग को पता भी नहीं है कि आज भी हम लोग का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इधर शाम होते ही डुअर्स के अधिकांश दुकान पाट बंद होते हुए देखे गए।